पिंपरी चिंचवाड़ में विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के चलते फिलहाल आचार संहिता लागू है। इसके बाद चुनाव विभाग की एक टीम ने वाहन से करीब 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की है और चुनाव आयोग की जांच टीम इस बात की जांच कर रही है कि इतनी बड़ी रकम किसके पास और कहां जा रही थी। तो आचार संहिता लगने के बाद आपको बता दें कि जो चुनाव विभाग की टीम है वो सतर्क हो गई, अलर्ट हो गई और इसी के चलते आपको बता दें कि जांच टीम ने एक वाहन से करीब 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की है। अब चुनाव आयोग की जांच टीम इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इतनी बड़ी रकम किसके पास और कहां जा रही थी। तो ऐसी खबर पर देख के जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज जुड़ चुके हैं। सूरज, अगर बात करें तो उपचुनाव के चलते आचार संहिता लगी है, ऐसे में हम देख रहे हैं कि जो जांच विभाग है, जांच टीमें हैं, वो सतर्क मोड में नजर आ रही है। ऐसे में जांच टीम ने एक वाहन से करीब 40 लाख रुपए की नकदी जब्त की है, क्या कुछ अधिक अपडेट या पता चल पाया कि ये जो नकदी है वो किसकी और कहाँ जा रही थी? उधर फिलहाल इस समय चित्तौड़ विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के लिए आचार संहिता लगी, इसी दौरान चेक पोस्ट के गाड़ियों की जांच की जा रही थी, तभी एक सफेद कलर की गाड़ी में से 40 लाख रुपए की नकद जब्त की गई। चुनाव आयोग इस समय इस जांच में जुटा की ये नकदी राशि किधर और कहां लेके जा रहे थे और किस उम्मीदवार की ये राशि थी। जी, फिलहाल अगर बात करें तो जांच टीम का क्या कुछ कहना है पूरे मामले को लेकर, क्योंकि नकदी तो जब्त हो गई है, तो ये पता चल पाया कि किसकी कार थी और किस व्यक्ति को ये नकदी जो है वो भेजी जानी थी, इसके अलावा किस उपयोग में इस नकदी का उपयोग किया जाना था? हालांकि साफ यही हो रहा है कि अभी जो उपचुनाव को लेकर किसी बड़े नेताओं की ये गाड़ी लग रही है और इसी दौरान पिपरी चिचवाड़ पुलिस और चुनाव आयोग की टीम जांच कर रही है कि ये राशि किसके लिए लेके जा रहे थे और किस उम्मीदवार की ये राशि थी। जी, धन्यवाद सूरज आपके इस खबर पर जानकारी के लिए।